हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर ऐप का सोर्स कोड। सिमिलर टू एमपी प्लेयर ऐप, एमएक्स प्लेयर जो ऐप है उसका सोर्स कोड आपको देने वाला हूं। सेम वही फीचर है सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा। सबसे पहले मैं आपको जो वीडियो प्लेयर है उसके फीचर्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे इस टाइप का ऐप है, ये हमारा बनाया हुआ है। इसका पूरा जो लाइसेंस है वो भी हमारे पास है। यदि आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में मैंने सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आप कोई भी वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर या ऑनलाइन वीडियो प्लेयर बनवाने की सोच रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो आप एक बार हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा या हमसे बनवा लीजिएगा। हम बिल्कुल ही चीफ रेट में आपको बना के दे देंगे कोई भी मॉडिफिकेशन हो। अब मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो के फीचर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखेंगे कि आप एक इसके टॉप में ऐड आ रहा है, ये ऐड लगाया हुआ है। पूरी लिस्ट इस तरह से खुलेगी। जो भी आपके हैं फ़ोन में जितने भी वीडियो फाइल हैं वो होम पेज पे आ जाएंगे। मैं आपको कोई भी ऑडियो फाइल चला के दिखा देता हूँ। तो मैं ये ले लेता हूँ कि कॉपीराइट ना आए। आवाज़ कंट्रोल करके आप यहाँ से आवाज़ इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से इसको सिक कर सकते हैं, बैक सिक बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें दिखा देता हूँ आपको ये सीसी। यहाँ पे आप अगर इसमें सबटाइटल हैं तो वो भी आपको स्क्रीन पे सबटाइटल दिखेंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी सबटाइटल सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में सबटाइटल है नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे है, इसमें अगर ड्यूल ऑडियो ट्रैक हैं या जैसे हम कोई भी हॉलीवुड मूवी देखते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है या एक से ज़्यादा लैंग्वेज में है, तो आप यहाँ से ऑडियो ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। इसमें वीडियो में नहीं है तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद है इसके फीचर, जैसे म्यूट करना हो तो आप यहाँ से वन टैप म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। 10 सेकेंड के लिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। डबल टैप सीख करके आप इसको 10 सेकंड के लिए भी आगे पीछे कर सकते हैं, ये फीचर भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ से स्क्रीन को आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड में अगर इस फाइल को चलाना चाहें तो आप बैकग्राउंड में भी इस फाइल को चला सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये बैकग्राउंड में चालू हो गया है। अब इसकी मैंने आवाज़ बंद कर रखी थी इसलिए ये आवाज़ नहीं दे रहा, क्योंकि कॉपीराइट ना आए। उसके बाद अगर इसको पॉपअप प्ले करना चाहें आप तो पॉपअप में भी चला सकते हैं। देखो ये यहाँ पे चल गया, पॉपअप में चल गया। तो इस तरह से आप इसको पॉपअप प्ले भी कर सकते हैं। अब इसके और जो फीचर हैं वो दिखा देता हूँ। जहाँ से आप इसकी वीडियो की जहाँ से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऑडियो चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च का बटन दिया हुआ है जिसमें आप कोई भी वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों एक साथ अपने फ़ोन की सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बटन दिया हुआ है जी, इसमें जो भी आप लास्ट प्लेड वीडियो था वो आप प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो चला था लास्ट टाइम पर तो ये चालू हो गया। जैसे ये चला के दिखा देता हूँ आपको, जब ये मैंने यहाँ पे छोड़ा है तो ये चल रहा है। अब इसी को मैं इस पर डायरेक्ट, अब मैं भूल गया अगले दिन आ रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके वहीं से चल जाएगा वीडियो जहाँ मैंने छोड़ा लैपटॉप। अब इसमें आप ग्रिड व्यू देख सकते हैं, लिस्ट व्यू देख सकते हैं इस बटन के थ्रू। यहाँ से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं नेम के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, जो अपने हिसाब को जो आपको पसंद हो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप अपनी कोई भी पर्सनल फाइल्स को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अपना पासवर्ड बना लें और ऐड एक पासवर्ड बना लिया। उसके बाद फिर से जाना है आपको सिक्योर फोल्डर में, जहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप अगर वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ हैं तो आप फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल, तीनों चीज़ें आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इस फोल्डर में, वो आपको बाहर कहीं पर भी नहीं दिखेंगी। उसके बाद मैं आपको इसके सेकंड टैब के बारे में बता देता हूँ। इस सेकंड टैब में आप
अपनी फोल्डर के हिसाब से अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। जैसे वीडियो फोल्डर है मेरे फ़ोन के अंदर, तो उसमें क्या क्या फाइल हैं आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं। जैसे एक फाइल है इसमें वीडियो के अंदर जितनी भी फाइल हैं ऐसे आपको दिखा देगा, तो आप यहाँ से भी चला सकते हैं सेम वही चीज़ें। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूजिक का। म्यूजिक में भी सेम आप ऐसे चला सकते हैं, जैसे रिंगटोन है तो इस तरह से आप चला सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा टैब इस साइड वाला, इसमें बता देता हूँ आपको कि आप ऑल सॉन्ग चला सकते हैं, ऑल वीडियो देख सकते हैं, जो भी आपके वीडियो हैं सारी लिस्ट आ जाएगी, ऑल जो सॉन्ग हैं वो आ जाएंगे, फेवरेट सॉन्ग हैं तो वो आ जाएंगे अगर आपने कोई फेवरेट में ऐड किया हुआ है तो। रिसेंटली एडिट कोई नया वीडियो अगर ऐड किया तो वो दिखा देगा। मोस्ट प्लेड में जो सबसे ज़्यादा आपने चलाया वो दिखा देगा। अभी हमने कोई भी ऑडियो फाइल नहीं चलाई तो नहीं दिखा रहा है, वीडियो में दिखा देगा मोस्ट प्लेयर में। नॉट प्लेड या वीडियो जो अभी तक नहीं चलाए हमने वो सारे दिखा देगा। यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट भी आप बना सकते हैं, कोई नई प्लेलिस्ट बना के आप उसको सेव कर सकते हैं और उसमें अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो जो आपके फेवरेट सॉन्ग आप अपनी प्लेलिस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। ये दिया हुआ है इसमें सेकंड टाइप। अब मैं आपको जैसे कोई वीडियो फाइल चला के दिखा देता हूँ। थोड़ी आवाज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सॉन्ग की, यहाँ पे इसको सफल कर सकते हैं, एक प्ले कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं ऑटो प्ले कितनी देर में बंद हो जाए। यहाँ पे आप डायरेक्ट वन टैप में अपने फेवरेट में सेट कर सकते हैं, फेवरेट लिस्ट में। यहाँ पे इसको बंद करने का है, नेक्स्ट सॉन्ग का है, यहाँ पे लिस्ट का है, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाता है डायरेक्ट एक टैब जो लास्ट वाला है, इसमें जो भी हमने लास्ट प्लेयर सॉन्ग था वो आ जाएगा यहाँ पे इस वाले टैब में। जो भी हम चलाएँ लास्ट प्लेयर सॉन्ग कौन सा चला था तो वो वहीं पे खुल जाएगा आपको। उसके बाद अब बचता है एक लास्ट वाला जिसमें सेटिंग टैब में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें थीम दी हुई है दोस्तों, जैसे 5 थीम है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैग्नेटा थीम एक बार ऑन करके, तो देखेंगे ये अपने ऐप की थीम चेंज हो गई। तो आप इस तरह से 5 थीम भी दी हुई हैं, 5 थीमों के हिसाब से भी ये कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद आपको एक और थीम चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो थीम है, आप जो चाहें वो थीम रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग टैब में दिया हुआ है वीडियो का ओरिएंटेशन, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट, वीडियो का ओरिएंटेशन आप कैसा आपको चलाना चाहते हैं, सेंसर के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी आप सेट करेंगे उसके हिसाब से चलेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा जो सिस्टम दिया हुआ है। इसमें रिज्यूम वीडियो, आप जहाँ पे लेफ्ट छोड़ा आपने वीडियो वहीं से चलाना है, कहाँ से चलाना है आप इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस भी अपनी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्या वही ब्राइटनेस सेट रखना चाहते हैं, कम बत्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे फीडबैक ले सकते हैं अपने ऐप का, रेट ऐप करवा सकते हैं, ऐप को शेयर करवा सकते हैं, और ये ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी और ऐप के बारे में दिया हुआ। तो इस तरह से इस ऐप का कंप्लीट मैंने दिखा दिया है, ये फ़ीचर हैं ऐप में, और भी आप चलाओगे तो बहुत सारे फ़ीचर्स दिए हुए हैं। अभी ऐड आ रहे हैं जो फेसबुक और एप्लोविन के ऐड लगे हुए हैं, तो अगर आप चाहें किसी और कंपनी के लगवाने तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप ये अपना खुद का ऐप बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं इस ऐप से अभी लाइव करके। ये ऐप एमपी प्लेयर के नाम से प्ले स्टोर पर अभी उपलब्ध है, 1,00,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं और ये इंडिया में ही बनाया हुआ है हमारे द्वारा ही। अगर आपको कोई भी इस ऐप में या फिर इस टाइप का कोई भी ऐप बनाने की सोच रहे हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बहुत ही सस्ते में बना देंगे, क्योंकि हम इस टाइप के ऐप 8 से 10 ऐप बना चुके हैं पहले भी। तो जिस हिसाब से अगर आप देंगे अपने हिसाब से कि हमें ऐसा ऐप बनवाना है तो हम बना देंगे, या फिर आप इस ऐप को परचेज़ करना चाहें तो इस ऐप का सोर्स कोड भी मैं अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा देता हूँ पूरा ऐप के सोर्स कोड, और वहाँ से भी आपको रन करके पूरा ऐप दिखा देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो का लिंक भी, APK फाइल का अगर आप टेस्ट करना चाहें तो प्ले स्टोर की लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों मैं आपको इस ऐप का सोर्स कोड दिखा देता हूँ, ये हमारी मेन फाइल है, ये ऐप कोटलिन में बना हुआ है इसलिए .kt फॉर्मेट में है सारी फाइलें। जितने भी सर्विस का यूज लिया हुआ है वो हमने सर्विस बना रखे हैं,
ये ड्रिविल फाइल है इसकी। और ये इसकी लेआउट है, जितने भी जो लेआउट हमने यूज ली हुई है ऐप में वो सारी लेआउट बनी हुई है। अगर आप इस ऐप को परचेज करते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, पैकेज नेम कैसे चेंज करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ जाना है और यहाँ पे अगर आप इस ऐप का पैकेज नेम यहाँ पे चेंज कर देंगे एप्लीकेशन आईडी के अंदर, तो इस पूरे ऐप का पैकेज नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको कहीं पे भी जो दूसरा मेथड होता है वो नहीं करना, क्योंकि हमने कस्टम इसका पैकेज नेम बना रखा है। तो यहाँ पे चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली पूरे ऐप का पैकेज नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कहीं पे भी और चेंजेस नहीं करने, बिल्कुल ईजी बना रखा है। वर्जन कोड भी आप खुद अपने हिसाब से जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे तो पूरे ऐप में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, इसमें तो इतना ही है, और बाकी का आप किसी भी प्रकार का वीडियो प्लेयर ऐप या ऑडियो प्लेयर ऐप या ऑनलाइन प्लेयर ऐप है, कॉलिंग ऐप है, वीडियो कॉलिंग ऐप है, तो इस तरह का कोई भी ऐप बनवाना चाहें तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। या फिर आप सोर्स कोड भी लेना चाहें तो बहुत सारे ऐपों का सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार इस कोड को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक के लिए वेट करते हैं, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं परमिशन दे देता हूँ। एक मिनट, कहाँ पे आए, हाँ ये है हमारा ऐप। आज क्योंकि एमुलेटर पे कोई फाइलें हैं नहीं, इसके अंदर कोई भी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल है नहीं, इसलिए कुछ भी सोन नहीं कर रहा। तो बाकी की चीज़ें मैंने अपने डिवाइस पे दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।